सर, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि दांतों में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है। ठीक है, दांतों की जो मेन कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट्स हमें मिलते हैं, सबसे पहले तो टूथ डिके है, दांतों की सरल, जिसको हम डेंटल केरीज भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द का तकलीफ शुरू हो जाता है। इसके अलावा मसूड़ों की तकलीफें होती हैं, दांतों की मसूड़ों में सूजन आ जाती है जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं, और पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, जिसकी वजह से जो परेशानियां रहती हैं जैसे कि मसूड़ों से खून आना, स्मेल आना, दांत में दर्द, मसूड़ों की सूजन, ये मेन परेशानियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास कर आते हैं। और मेनली यही है, और दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ा होना, रेगुलर टीथ हो जाते हैं, दांत बाहर होते हैं, ये परेशानियां हैं जो मेनली दांतों में देखने को। बिल्कुल, इसके अलावा सर जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपने बताई है वो क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि लगातार हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद ही कुछ खाए पिए, उसके बाद जब आप रात में डिनर करते हैं तो डिनर करने के बाद आपको ब्रश करके सोना चाहिए। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आजकल दांतों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, चाहे वो सेंसिटिविटी हो, चाहे वो ब्लैक लग जाना हो, या फिर दांतों में जो कीड़ा लग जाता है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, जो मेन रीज़न है वो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अगर आप साफ सफाई मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपना ब्रशिंग सही तरीके से नहीं कर पाते, कई पेशेंट्स होते हैं जी ब्रशिंग तो मैं करता हूँ फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ब्रशिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है। कई जगह ऐसा है कि ब्रश नहीं पहुँच पाता है, खाना वहाँ पे फूड स्टे हो जाता है, फूड लॉजमेंट हो जाता है, वो सबसे मेन कारण है दांतों में परेशानी होने का। और रात का ब्रशिंग, मैं यही कहना चाह रहा था कि ठीक है सर, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रही हूँ। सर, जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपने बताई है, अगर हम देखें तो दांतों की प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि सुबह उठते ही हमें ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने के बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए, वही रात में डिनर करने के बाद आपको ब्रश करके सोना चाहिए। उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सेंसिटिविटी, ठंडा लगना, गर्म लगना दांतों में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ऐसा क्यों है? क्या टूथपेस्ट की प्रॉब्लम है या कुछ और वजह हो सकती है? देखिए, जो सबसे मेन परेशानी है वो इफेक्टिव ब्रशिंग की है, मतलब हम सफाई कर रहे हैं लेकिन ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और फूड लॉजमेंट रह जाता है, खाना फंसा रह जाता है दांतों में। ब्रशिंग कई बार क्या होता है, कुछ लोग नाइट ब्रशिंग को इग्नोर कर देते हैं, रात में ब्रशिंग नहीं कर रहे, वो भी एक बहुत मेजर रीज़न है कि जो है ना दांतों में केरीज लगने का, और जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी परेशानी, मसूड़ों की परेशानी रहने का। रात में ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है हमारा मुंह, और जो भी हमने खाया पिया है वो पूरी रात मुँह में रह जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहता है। दूसरा, ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है कई बार, वो भी एक मेन रीज़न है डेंटल प्रॉब्लम्स का। तो हाइजीन मेंटेनेंस और दांतों के बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ पर लोग नहीं करते हैं। जैसे फ्लॉसिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है, रिंसेस पानी से कुल्ला करना ज़रूरी है, और इस तरह से इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं उसको भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है।